चारों देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण भू। सारी परम सुंदरी थिले, केमिति थिले परम सुंदरी थिले, आउ तांको सौंदर्य चर्चा देश विदेश रे होतिला। थरे अब्राहम आउ सारी से माने निज देश रे दुर्भिक्ष पड़िला बोली मिसर देश को गले, प्रवास करिबा को गले। मिसर देश को गला बेले मिसर देश रो राज दरबार रे सारी कर सौंदर्य रो चर्चा हेबा को लागिला। लोक माने सारी को विषय रे मिसर राजा को आगे गुणगान करिबा को लागिले। सेथिरे मिसर राजा कहिले से कि एते सुंदरी, अन्य माने कहले हाँ आज्ञा से परम सुंदरी। मिसर राजा हुए तो कहिथिबे से कोन मोर राणी थारु अधिक सुंदरी कि तांको राजा दरबार थिबा मंत्री माने कहिथिबे आज्ञा क्षमा करंतु आपण भूल बुझंतु नाही, आपणको राणी सुंदरी किंतु तांकर स्त्री अर्थात गोटे स्त्री लोक जी आसीचंती से होचंती परम सुंदरी। सुंदरी आउ परम सुंदरी भितरे पार्थक्य अछि। तबे तांकर सौंदर्य सकाशो राजा तांको नै गले राणी करिबाकु नै गले। देखंतु सुंदर हेबाटा भल, सौंदर्य भल अटे किंतु सौंदर्य विपद मध्य आनी पारे, सौंदर्य विपद मध्य आनी पारे। इथि राजा तारो सौंदर्य को देखि आकृष्ट हैला आ छड़े किरे नै गले। तमाने सारा को जीवन रे केते वेदना से पाई थिबे, स्वामी थाउ थाउ आउ जने लोक स्वामी घर स्वामी को सामने रे ताकु छड़े गिरि नउ जोंती आ स्वामी को तार बदल रे धन रत्न दास दासी गर्दव ओट मेष गोरु सब दे देले, गिफ्ट दे देले। कहले ये किए अब्राहम के ये मोर भौणी। अच्छा ये भौणी ताले तमे मोर सोळा हबो तुमको जहां दरकार नहीं जाओ। अब्राहम को टिके भी चिंता नहीं किंतु सारी भय रे कम कुछ वाक्य देखा जाए से प्रभु भय कारिणी थी। तेणु सदा प्रभु सारी को सकासु मिसर राजा को भार को गृह रे भारी भारी उत्पात कले। मिसर राजा डरी गले कले स्त्री लोक साधारण हंती से भय रे आसी के अब्राहम को निकट रे फेराय दे कहले ए नितांत तुम्हारो भाग्य याकु नहीं कि मदेश छाड़ी करी पढ़ाई जाओ। तबे इस सारं को जीवन रो समसामयिक अर्थात सही समय रे जो समय रे अब्राहम और सारा पृथ्वी रे थिले ठीक सही समय रे आउ गुटे देश रे कूस बोली गुटे देश, कूस बोली गुटे देश रे आउ गुटे परिवार थिले जो परिवार रो नाम मुख्य आउचंती आयुब। बाइबल शास्त्र के माने मत दियंती आयुब आउ अब्राहम समसामयिक थिले, गुटे समय रे लोक थिले। आयुब रहुतिले ऊस नगर रे, अब्राहम रहुतिले ऊर नगर रे, समसामयिक थिले। मध्य प्राच्य अंचल रे ए दुईटी नगर थिला। तबे ए दुईटी परिवार भितरे पार्थक्य कोन देखिबा अनेक विषय अछि, केवल आज स्त्री मानकर पार्थक्य को देखिबा। दुई प्रकार स्त्री दुई जन स्त्री को आज हम सम्मुखरे आमे लखिकिरी ध्यान करिबा को जिबा। गोटे पार्श्वरे अछंती परम सुंदरी सारी, आउ गोटे पार्श्वरे अछंती सुंदरी आयुबंकर पत्नी, तांक ना लेखा है एई दुई जन। आयुब जने धनी लोक, खानदानी धनी लोक, आउ आयुब आउ अब्राहम दुई जन बंधु। मने करंतु एई दुई जन मिसिकरी पाठ पढ़ु थांते मने कर, ताले आयुब आउ अब्राहम कोन बोली कथा आइथिबे। आयुब कहिथिबो बंधु अब्राहम जानिबो मोर विवाह बयस हैला, आमे गोटे झियो देखिचु बाहागर हबार अछि, तमे दयाकिरी आसिबो मोर बाहागर को। अब्राहम कहिथिबे तुमे मोर बंधु केमिति न आसिबी। आयुबंकर बाहागर बड़ धूमधाम हैला, धनी लोकर पुओ आयुब खानदानी धनी लोक। तबे आयुब विवाह कले सुंदरी गोटे स्त्री को। किछि दिन पोरे अब्राहम कर मध्ये बयस हैला, से मध्ये आयुब जाय कले बंधु मोर मध्ये बाहागर ठीक है, मु गोटे हितिया झियो को देखी तार नाम हो सारी,
से देखा परम सुंदरी तो आयु बाहर को आईटा बंधु समसामयिक थे कहानी आगे कौन बाइबल अनुसार देख गोटे वर्ष बीतीगला दुई वर्ष बीतीगला दिने आयुम घर अब्राहम घर को निमंत्रण पत्र जा बंधु अब्राहम जानव परमेश्वर अनुग्रह आंभ गृह गोटे पुत्र जात हो तेणु से पुत्र जन्मदिन उद्देश्य एक पारे कि जन्मदिन हो पाए आम घर गोटे भोजी अच्छी आपड़ सपरवार आसवे कल्पना करा गोटे काल्पनिक विषय मुझे केवल बुझेगा कहे अब्राहम सारी को बह कर अब्राहम स्त्री को कही सारी भल शाड़ी गोटे पिन्धे मोर बंधु घरे प्रभु गोटे पुओटे जीवा बर्थडे पार्टी गिफ्ट धरिकी आसीथे बर्थडे पार्टी में पहुंचीगले आउ भगरे खाइवा पीवा सर मैंने फेर बेल है आयुब आयुबों स्त्री विदाय देवाक आसला बेल घर बाहर ठिया आयुबों स्त्री मुह टे अधिका चले से कहले अब्राहम बंधु सारी भौणी प्रभु आमको तो दे तुमको केवे आयुबों स्त्री अब्राहम को कही तुमको केवे देवे अर्थात तुम घर पुओ झे के सारी कही इच्छा बहुत शीघ्र देवे आम लगे प्रार्थना कर कहीं आयुब बंधु दिन सका भोर उठिक प्रार्थना करती कहते आगे आमपाई प्रार्थना कर आउ वर्ष दु वर्ष बीतीगला आयुबों घर आउ गोटे पुओ है आउ थ निमंत्रण पाइले आसिले आयुबों घर तृतीय पुत्र है चतुर्थ है पंचम है षष्ठ है सप्तम है आयुबों के पु दिले सात जन पु हेले सात थर एम निमंत्रण पाई आसीथे आत थर जाक आयुब पत्नी कही कौन है अब्राहम बंधु तुम घरे केबे हम आम तो सात जन पु है अब्राहम मुह दुख लाजरे झावली पड़े सारी हृदय बेदन भांगी पड़ा दिने अब्राहम दुखने थिला बेले गौरवमय परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देले आ कहले अब्राहम तुम्हें जो देश में बास कर छाड़ आम तुमको महागोष्ठी करवा यहाँ शुणिला दिन अब्राहम बहुत खुशी हेले स्त्री को कहले सारी शुण प्रभु मत दर्शन देले मत कहले देश छाड़ी आम पु झे हे सारी कहले जल्दी चल देश छाड़क बाहर रास्त आयुबर घर पड़ा से बाट दे गला बेले आयुब बंधु पचारे बंधु कुआडे बाहर ना आज्ञा प्रभु आमको कहते आम देश छाड़क जी कौन ना आम देश छाड़े आशीर्वाद पाए आयुब पत्नी कौन कही जानते से कहे कहीं आम तो देश छाड़ू आम तो आम गाँव भल अच्छु प्रभु आमको आशीर्वाद करमें कहीं देश छाड़ ध्यान शुणी आज्ञा किसी लोक को आशीर्वाद पाइबापी हेले निज जगह छाड़क पड़ो आउ किसी लोक को आशीर्वाद पाइबापी हेले जगह छाड़क पड़ो ना आईब निज जगार थी आशीर्वाद पाँच अब्राहम प्रभु जगह छाड़क कौन दुई प्रकार आशीर्वाद विषय आम देखु बेले बेले प्रभु आपन को गोटे जगार आ गोटे जगह को जीप आदेश करेंगे आपड़ से आदेश मानिले आशीर्वाद पाइ बेले बेले प्रभु कह कड़े जीवार नहीं जो अच्छे तो आशीर्वाद कर आयुब जो प्रभु आशीर्वाद करेक दिन बीतीगला आयुबर आनोटी सुंदरी सुंदरी कन्या है अब्राहम खाली खबर पा था अब्राहम शुणिले आयुब होती देशर सबुठ धनी लोक प्रभु बहुत आशीर्वाद करब्राहम को मन में बेले बेले दुख आस पाए सारी मन में बेदना आसु थ किसी दिन गला वाक्य पढ़िल परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम बयस बहुत होम सम्मुख में गमनागमन कर सिद्ध हुआ आम तुमको पुत्र देवा चाहू आगर ना जड़ेदे से पुत्र नाम इसहाक रख्वास कले अब्राहम विश्वास कले सारा आते बड़े धीरे 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 कौन टे शुणु बहुत सुंदर विषय जदि आप कल्पना करें शुणा को इच्छा करेंगे बहुत सुंदर विषय इे
आईबंक परिवार बढ़ी 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 चली आईबंक पे बड़ हो गले भेंडिया गले आईबंक बड़ पु कहला मु सोमवार दिन भोजी करी किए किए मो घर को आसब बाकी सब छ भाई हाथ टेकिदे तीन भौणी हाथ टेकिदे आम सब आसब तृतीय भाई कहला मु मंगलवार भोजी करी तृतीय भाई कहला मु बुधवार चतुर्थ गुरुवार पंचम शुक्रवार षष्ठ शनिवार शेष भाई कहला मु रविवार दिन भोजी करी सात भाई सात दिन जाक भोजी करुते मैं चिंता करूँ आज्ञा सप्ताह जाक से खाली भोजी खाई खाई इंटरेस्टिंग विषय कौन गोटे गोटे भाई गले गोटे गोटे भोजी हेले अन्य भाई मैंने समस्ते आसुते से मानकर दायित्व थी आज तुम घर कल मो घर हम कि बढ़िया राज करुते किसी चिंता नहीं एमती सात भाई जब थे तीन भौणी का चिंता कर दीदी रेडी हेलु कि आज मझिया भाई ना करे भोजी तीन भौणी रेडी जाके हाजर आज सात भाई घर भोजी से जाके हाजर खाइबा पीबा आनंद कर दिने भौणी मैंने कहे भाई टी बापा मा को डाकुन आईब आउ स्त्री को बुढ़ा बुढ़ी को डाकि दि भाई मैंने कहे चुप बापा मा को डाक हम ना कहीं बापा मा जब आसीज भोजी आउ मजा आसब ना देख तो आईबं पुत्र कन्या मान दोष कौन थी से भोजी करुते कि पितामाता डाकिले ना पितामाता डाकिले ना सात दिन भोजी सर तीन भौणी बुली बुली खाइले सात दिन उतारे एवं आईब कहे स्त्री को कौन करवा आम पाने को डाकू ना तो स्त्री आईबंग स्त्री टी अलग मिजाज से टे रागी स्त्री लोक आईबंग स्त्री टे रागी स्त्री लोक से कह पा डाकि तुम्हें भी डाक ना चल आम दुई जन भोजी कर खाइबा आईब कह नाई नाई से हाँ कहीं वाक्य लिखा जाए आईब सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्याग व्यक्ति थे आईब सिद्ध थे सरल थे परमेश्वर भयकारी थे कुक्रिया त्याग व्यक्ति थे से प्रकार व्यक्ति से कहे पुओ मैंने न डाकिले ना आम पुओ मान डाकवा से पुओ मान डकाइले झील मान डकाइले आख्या अनुसार बलिदान कर प्रभु पाखे क्षमा मागिले कह प्रभु हो पाए मोर पा मैंने मोर पुओ मैंने झील मैंने पाए मने मने परमेश्वर को परित्याग करें मने मने परमेश्वर को परित्याग करें प्रकारे आयुब प्रतिदिन कला अति प्रभात उठी पिला लगे क्षमा मांगे आयुब को डर था काले मो पाने प्रभु को छाड़े तेरे यही प्रकार कर स्वर्गर परमेश्वर आयुबों प्रति करुणा दृष्टि कले कह आयुब जो सिद्ध पुरुष आयुबों पर प्रभु रक्षा कले चतुर्पार्श्वे से बाढ़ देकी रक्षा कले दूत मान छाउणी रक्षा कले कौन अभाव कौन अमिष्ट कौन क्षति होने शयतान चेष्टा कला कि पारा ना दिने परमेश्वर सम्मुखें परमेश्वर पुत्र गण बोली कहले स्वर्गदूत मान एकत्र शयतान ही से मध्य उपस्थित है परमेश्वर देखिले शयतान आसी कहले तुम्हें क्योंठार आसिल पृथ्वी एणे तेणे भ्रमण करी आसिले प्रभु पचारे तुम्हें कि आम दास आईबों प्रति मन बढ़ाई अच परमेश्वर अंतर्जाम अटंती किसी कह दरकार नहीं कह आगे प्रभु अंतर को जानती तुम्हें कि आम दास आईब प्रति मन बढ़ाई अच कारण तापरी सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्याग मनुष्य पृथ्वी में कई नहांती कथा शुणी शयतान सागे सागे कहला आयुब की अकारण परमेश्वर को भय करुची तुम्हें कि तहार गृहर तार संपत्तिर चतुर्पार्श्वे बाढ़ कर रक्षा करना एक कथा शुणी परमेश्वर बुझीगले कहला अच्छा तुम्हें आयुब को परीक्षा करने को चाहछ परमेश्वर अनुमति देले कहले ठीक अच्छी तुम्हें तार प्राण को छुईब ना आउ सब तुमको अधिकार दे जाओ तुम्हें जहाँ करने कथा कर पाने भोजी करिवार आदत थिला पार्टी करिवार आदत थिला दिने गोटे घरे भोजी करुछंती सात भाई तीन भौणी अछंती शैतान को मौका मिलीगला आगे भोजी रे कोठी शैतान पशि जाए जना पड़े नहीं शैतान को मौका मिलीगला पूर्व दिग्वर कमल आसा जो घरे बसी छात उपर उठिला तले पड़ा सबू
सात पुओ गोटे दिन में मरीगले जिते पशुधन था गोटे दिन में सब चलीगले जी दास दास समस्त गोटे दिन में मारा गले चौबीस घंटा भीतर आई वो कंगाल हेगले शून्य हेगले आई वो शून्य हेगले आईबो स्त्री धन थिला बेले पुओ झी थिला बेले बहुत आनंद करूला प्रभु को धन्यवाद देवा जानी नथिला से शॉक हे गला आश्चर्यजनित हे गला कोन एमती हे गला आईबो कहला मु माता रो गर्भरु शून्य हो आसी अछि शून्य हे फेरि जीवी सदा प्रभु देले सदा प्रभु को नाम धन्य हेउ हालेलुया अंतिम बार्षिक कौन घटी से ध्यान रखो। अब्राहम बंधु दूर रे अछंती से खबर पाई जानती आई मो करे तभी पति घटला तांकू प्रभु इमिति आशीर्वाद करले यार देखो तू आई मो को धन उणा पड़ीला बड़े अब्राहम को धन बढ़ुछ वाक्य लेखा जाए अब्राहम आ लोटो गुटिए जागे रे रही पालिले रेते संपत्ति हे गला जे अब्राहम कहले पुत्रा को ओरे सते जुआड़ी छ सेड़ जा आम भीतर झगड़ा न हो प्रभु कर पवित्र नाम रो गौरव हे अब्राहम धन रे बढ़िबाक लागले तांको घरे 318 जण प्राइवेट आर्मी बोली कर बुझ पा सैन्य दल अब्राहम को गृह जात 318 जण योद्धा किले तांको गोटे प्राइवेट आर्मी थिला एते धन संपत्ति थिला प्राइवेट गोटे आर्मी क्याडे आई वो उणा पड़ी गला बेले अब्राहम पुत्र को आशीर्वाद करबा को लागि हालेलुया एबे कोन हैला ध्यान रे सुनंतु गोटिए दिन रे आई वो कर परिवार नष्ट हे गला शून्य हे गले से मस्तक मुंडन कले धूली निज ऊपर ठाली हेले आ प्रभु को कहले धन्यवाद प्रभु तुमे देलो तुम नाम धन्य पूर्ण द्वितीय थर परमेश्वर को पुत्र गण परमेश्वर को सब ग्रह कतरा बेले शैतान ही से मन को मति उपस्थित है प्रभु कहले एबे कौन दरकार देखिला आगे मने छाड़ीला ना या गया छाड़ीला नहीं सेते बेले शैतान कोची चर्म निमंते चर्म मांस निमंते मांस तार शरीर रे रोग दे दियो से तुम को मुख ऊपर स्वीकार करियो प्रभु कहले ठीक अछि केवल तार प्राण तबे ने पड़ तार आत्मा को छुई मने जाओ शरीर ऊपर तबे जा करबा आउ शैतान आसी आईबों को शरीर जाक घा कर देला भयंकर घा से कुंडेबा को थकी गले खपरा खंडे लेके कुंडेबा को लागिले भस्म रे बसिले धूली ऊपर झाड़ीले माछी बसु चंती बोली सेते बेले तांको स्त्री आउ सही पाहिले बोले सब तो गला गला वो झियो सब गले संपत्ति सब गला ए लोगर देह भी खराब हे गेला या सागर रहिकरी की लाभ एबे आसी कि मुहरे शेष तल गोटे पद सुने नी कर जीव बोली कहला तुमे कि ए जाय अपनार सरलता दृढ़ करी धरी रखु अछ परमेश्वर को परित्याग करी मर जा मने मरि जा पछे प्रभु छाड़ सते बेले आई को कोन करे जान छ तो गोटे बूढ़ा स्त्री बोली कथा को आमे माने कोन केवल आशीर्वाद प्रभु कुठार ग्रहण करिबा आउ जते बेले प्रकार कष्ट आसीबो सते बेले कोन प्रभु को ग्रहण करिबा नै हालेलुया प्रभु कर पवित्र नाम रो गौरव हे आगे बाइबल रे दुई जण स्त्री लोक रो से मन को उपमा उपाधि कोन कोन देखन प्रथम पितर तीन पर्व सात पद रे लिखा जाए सारा को विषय लिखा जाए सारा सात द्वी स्त्री थिले हां सही प्रकार है सही प्रकार है स्वामी माने नहीं नहीं छ पद सही पर सारा सारा अब्राहम को प्रभु बोली संबोधन करी ताहकर आज्ञा मोह हेले जे जदी कोनसी घरे पिता न होई सदाचरण करो तबे तुमने माने ताहकर संतान आमीन पांच पद रे लिखा अछि पूर्व काल रे साध्वी स्त्री माने ए साध्वी होची किए सारा किए साध्वी किंतु आयोग को पत्नी किए बूढ़ा आयोग को पत्नी को विषय कोन लिखा छी बूढ़ा मूर्ख ओडा विडंबना आ गया आयोग होचंती सिद्ध पुरुष आयोग होचंती परमेश्वर भयकारी
सरल लोक कुक्रिया त्यागी किंतु तांकर पत्नी मूढ़ा यार अब्राहम को देखंतु अब्राहम सिद्ध नुहंती असिद्ध पुरुष जाजावर स्त्री को स्नेह न करबा लोक स्त्री को बिके देबा लोक किंतु तांकर स्त्री जे साध्वी हालेलुया किछि बुझा पड़ लागि नै बेले बेले गोटे परिवार स्वामी बहुत भल थे मात्र घर परिवार स्त्री ठीक उल्टा थे आउ गोटे परिवार जे स्वामी एकदम बिगड़ी जाए थे मात्र स्त्री जे प्रभु भल करे थे हालेलुया एक प्रकार परिस्थिति दुईटी परिवार रे देखु छु तबे कोन घटना घटिला रे कहू जेते बेले आयुब को परिवार सब नष्ट हो जाय छंती आउ आयुब को स्त्री आयुब को छाड़ी के पळे जाय छी बड़ भयंकर नहीं जड़े सिद्ध पुरुष और स्त्री जड़े धार्मिक लोक और स्त्री धार्मिक पाखे रहिबा कथा किंतु से आयु को छाड़ी के पड़े गला कुआड़े गला जणा नहीं आ फेरिला कि नहीं मते लोग शेष पर्व रे को खोजु थी आयु को स्त्री फेरिला कि बोली नहीं आगे ताको स्त्री फेरिबा कथा लिखा है मते लागु छी आयु आ गोटे स्त्री बाहा है लेकिन कोन हेई दिबे आ गोटे स्त्री से पे डबल है जाके चित्रा डबल है ना तमने आयु को गोटे स्त्री थी दुईटा स्त्री है ना डबल सिद्धि में ही पर शेष पर्व 22 पर पढ़े जानिबे जे समस्त फेरिले आयु को स्त्री फेरिबा कथा लिखा है तबे या एक प्रकार आयु को स्त्री छोड़ के पड़े जाय छी सियार जे प्रभु अब्राहम को आशीर्वाद कर कहले तुम घरे गोटे कुआ हेबो आ अब्राहम बड़ो आशा रे जोगी चंती सारा गर्भवती हेले 90 वर्ष वयस रे आउ जेते बेले अब्राहम को 100 वर्ष वयस आला तांको घरे गोटे प्रतिज्ञात संतान इसहाक रूप रे जन्म पड़ो हालेलुया सेते बेले अब्राहम आउ सारा दुजन कथा कहबे कहिए तमर बंधु को टिके चिट्ठी लेखो आमे तांको घरे 10टा पिला घरे भोजी खाइ लबो जाइतिलु एबे हम घरे गोटे हेइची गोटे घरे ले खाइबो का संतु बोली चिट्ठी लेखु दिबे बंधु आइबो जानिबो परमेश्वर को कृपारु अनेक वर्ष परे प्रतिज्ञा अनुसारे प्रभु हम मानकु गोटे पुत्र संतान दे देइछंती ताहांकर नाम इसहाक रखिछंती आउ तार एबे गोटे भोजी आमे रखिछु तेनु आपण आपणकर पत्नी आपणकर 10 पिला को लेकर भोजी को आसीबे चिट्ठी लेखिथि चिट्ठी जाय कि आयु को घरे पहुंचिला बेले कोन परिस्थिति आयु को शून्य होइ जाय बुझि पाछो आयुवर 10 पिला मरि जाय छंती स्त्री छाडी के पळे जाय छी आयुव छटपट हे किथिला बेले ए पत्र मने को पहुंची दिबो आयुव छटपट होतिबे सेते बेले आयुव मने मने को जे बंधु अब्राहम एबे बुझी पारु छी पुत्र सुंदर वेदना केते तमो घरे कुओ नथिला झियो नथिला बोली तुमे केते कांदि थिबो आज मु जानु छी कारण मोर थिले बोली मु गर्व करथिली एबे मु शून्य हे गेली आ एबे बुझी पारु छी मु जे नथिले केते बात हालेलुया बेले बेले परिस्थिति को आड़ी ले आ बुझी पा सब थिला बेले के धरा पड़े नहीं सब चली गले जणा पड़े हो इति वेदना की आई को सी वेदना भीतर से जाउ छ अब याने अब्राहम शून्य भीतर खाई खाई ए पूर्ण हेबा को जाउ छ सारा गर्भवती रे गोटे पुत्र तांकर इसहाक को जन्म देले अब से करे आनंद हेला बेले आई को करे याने शोक चली छी अब्राहम करे आनंद चली छी अनेक दिन बीती गला अब्राहम को प्रभु परीक्षित हेबा पई छाड़ी देले शैतान परीक्षा कला पारिला नाही सब नै गला पारिला नाही स्त्री को व्यवहार कला कहला स्त्री भीतर पसी गला कहला छाड़ी दियो प्रभु को छाड़ दियो तथा भी पारिला नाही एबे तीन बंधु को खोजिला अब्राहम को तीन जन बंधु थिले से तीन जन बंधु भीतर शैतान पसी गला से आसीकि कोन कहला तीन जन बंधु आसीकि ताको चिड़ई चिड़ई कहतले कोनले तोर पाप थिबा म सेति पाए प्रभु तते दंड करछ नले का करे धार्मिक धार्मिक होतिलु सिद्ध बनि कहतिलु एते बड़ धनी हेतिलु निश्चय का करे तू अन्याय धन रोजगार करथिबु निश्चय तू अन्याय करथिबु बंधु माने सांत्वना देवा परिवर्ते दोष खोजिबा को आरंभ करे आ दोष खोजिबा होची शैतानर स्वभाव कार स्वभाव शैतानर स्वभाव शैतान केबे भलो विषय देखे नाही खराब विषय खाली देखे ए बंधु माने दुख माने कटा घा रे चुनो देला परे बा
बाधा उपरे आहु बाधा देला परे बड़ो बड़ो भारी भारी कथा कहि करी तांको वेदना देबा को लागिले सेते बेले आइबो नीरव रे किछि कहिले नाही मोर प्रभु जीवित परमेश्वर मोर स्त्री मते छाडी दैछि आइबो कोजनी मोर स्वास्थ्य भाई मोर स्त्री को भल लागिला नाही मते छाडी दे कि पळेला मो एकाकी अछि सेसेरे परमेश्वर कहले आइबो मु तते छाडी दे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आइबो को दर्शन देले आइबो को सुस्थ करे आइबो को पुनर्बार आशीर्वाद करले आ आइबो तार तीन बंधु को पाई प्रार्थना करिवारु तीन बंधु मध्य मुक्त हले आशीर्वाद पाइले तापरे 42 पर पर आइबो को कथा लिखा जाय जते बेले आइबो सुस्थ हेई गले तांकर सब भाई बंधु परिचित सब आसीले किंतु स्त्री आसीबा कथा लेखा हेई नय अगर आपन को मिलले मते के कहिबे स्त्री फेरला कि नाही गो आइबो 42 पर को जिका आइबो 42 पर को यस 11 पद लिखे पढ़ समस्त भ्राता समस्त भगिनी तहार पूर्व परिचित समस्ते तहार गृह रे तहार संगे भोजन कले स्थिर रहिबे सेमानक नाम सदा काल
ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଁରେ ଥାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ। କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, କିଛି ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ନିଜେ ନିଜେ ମନୋନୟନ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଁରେ ରହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଗାଁ ବାହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇବଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରହିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଗାଁର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଇବ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁଢା ଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଧ୍ୱୀ ଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପରିବାରର ସେ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖାଯାଏ। ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ, ସାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ସମୟ ଆସିଲା, ଆୟୁବଙ୍କୁ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ଆମେ ଗାଁରେ ଥାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନା ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ସବୁ କିଛି ହରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ବାହାରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ବେଦନାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋନୟନକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ସାରା ହେଲା। ସେ ଶେଷରେ ରାଣୀ ହେଲା, ଶାସନକାରିଣୀ ହେଲା, ତାଠାରୁ ରାଜାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ, ବଶୀଭୂତ ରହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଭଲ ରହୁ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା।